हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। आज मैं लेके आई हूँ आमरे की अचार की रेसिपी। ये आमरा है जो कि आम के साथ ही फलता है और ये इसी सीजन में मिलता है, लेकिन बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ है। ये जिस तरह आमला होता है ना, बहुत बेनिफिशियल, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। एक तो बीपी कंट्रोल रखता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है बॉडी को, स्किन भी ग्लो करता है ये खाने से, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसका हम अचार बना के इसे स्टोर कर लेते हैं। इसे ना लगभग आप 1 साल तक स्टोर करके इस तरह से रख सकते हैं। और नॉर्मल जो हम अचार बनाते हैं ना, सारा इंग्रेडिएंट्स वैसा ही हम इसमें यूज़ करेंगे। और अभी जो ये आमरा मिलता है ना, ये इसमें बीज नहीं होता है अभी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही स्वादिष्ट बन के ये भी तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ना 350 से 400 ग्राम आमरा लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, और इसे पतले पतले पीसेस में 2 भाग में कट कर लेंगे। बीच से कट करेंगे इस तरह से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से कट करके हम इसे फैला लेंगे, इस तरह के बड़े बर्तन में ले लेंगे। और इसमें ना हम हल्दी और नमक डाल के इसे सोख करके 5 से 6 घंटा तक धूप में रख देंगे। तो यहाँ पे लेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून नमक। ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है ना, तो इसलिए इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो ये दोनों हम इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे, और इसे बड़े से सूप या किसी बर्तन में फैला कर 5 से 6 घंटा तक धूप में रख देंगे। अभी हमने इसको फैला कर रख दिया है और अब हम इसको धूप में रख देंगे। धूप में रखने के बाद ना ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा कोमल है, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होता है अभी। स्टार्टिंग में जो आमरा मिलता है ना, बाद में इसमें बीज आने लगता है। तो अब जो मसाला हमने इसमें डालना है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे पिसा हुआ जीरा है, 3 से 4 टेबल स्पून ही धनिया है, 3 टेबल स्पून नमक है, स्वाद के अनुसार ऊपर नीचे नमक कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून जवाइन और मंगरेल है, 1-1 टेबल स्पून दोनों लेंगे। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है अचार में। और 2 से 3 टेबल स्पून हल्दी फिर से हम इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे फेन्युग्रीक धनिया है, इसे हम पीस कर लेंगे। मेथी का जो दाना होता है ना, इसे हम पीस कर लेंगे। ये सारे मसाले हमने डालना है। अब हम लेकर आ जाएंगे जो हमने ऊपर रखा था धूप में। देखिए ये हल्का सा श्रिंक हो गया, तो अब हम इसको बड़े से भगोने में निकाल लेते हैं। इस तरह के परात में सारा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये धूप लगने के बाद ना थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं। काफ़ी अच्छे से सोख भी हो गया है ये हल्दी और नमक में। तो अब हम इसमें सारा मसाला डाल देंगे, कुछ इस तरह का हो जाएगा धूप 5 से 6 घंटा लगाने के बाद। तो अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। धनिया और सरसों का पाउडर अगर है तो ठीक है, वरना घर में जो अवेलेबल है उसको पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डालेंगे सरसों का पाउडर इसमें, फिर धनिया का पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून है ये भी, जवाइन को इस तरह से हाथों के बीच में रब कर लेंगे, और फिर डालेंगे ये 1 टेबलस्पून है सौंफ, 1 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून मंगरेल, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये 3 टेबलस्पून है, नमक डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून है। थोड़ा खट्टा होता है जैसे कि मैंने बताया, तो थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा लगता है। सारा मसाला इसमें डालने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। लगभग ये ना 300 ml तेल है, उतना तेल हम डालेंगे कि अच्छे से चिपचिपा जैसा हो जाए हमारा पूरा। और अब हम इसको मिला लेते हैं
सारा अच्छे से कोट हो जाए उतने देर तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है, सारा मसाला और जो आमरा है ना वो अच्छे से मिल जाए। मिलने के बाद ना हम इसे, जैसे कि अभी 5 से 6 घंटे हमने पहले ही इसको धूप लगा दिया है, तो उसके बाद ना ये 1.5 दिन में आराम से, 1.5 डे में आराम से ये मसाला पक जाएगा और खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी ये धूप के, दोपहर के टाइम पे अगर ये कर रहे हैं तो फिर से इसे धूप में रख दीजिए और नेक्स्ट डे शाम तक ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है मसाला पक के। तो ये अच्छे से हमें मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि तेल भी जो है ना अच्छे से आमरा में अच्छे से सोख हो जाए। तो ये अच्छे से मिला लिया है हमने सारा मसाला को आमरे के साथ। और अब जो है ना हम इसे, अचार जब भी बनाए ना तो उसे कांच के एयर टाइट कंटेनर में ही रखे, तो वो ज़्यादा दिन तक अच्छे से स्टोर होके रहता है। तो ये अच्छे से मिल जाए तो हम इसे कांच के बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसे धूप में रख देंगे। जितना पकेगा ना उतना इसका कलर डार्क होता जाएगा। तो अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में, कांच के बॉटल में ना पूरा इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा अचार जो हमने बना के रखा है ये पूरा हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे ऊपर से कवर करके धूप में रख देंगे पकने के लिए। मसाला धूप से ही अच्छे से पक जाएगा। तो सारा ट्रांसफ़र कर दिया है, अब ऊपर से लेड को लगा देंगे। देखिए इस, अभी जो कलर है थोड़ा लाइट है मसाले का, पकने के बाद ये और डार्क होता चला जाएगा। जितना पकेगा ना, जितना दिन होते जाएगा उतना डार्क कलर होते जाएगा इसका। तो ये रेडी हो गया है, बस अब हमें इसे धूप में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।